आज इस माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर हम लोग जाने वाले हैं टेक्नो गेमर्स भैया की बोल रहा हूँ, ओके सर सर की वर्ल्ड के अंदर जो कि उन्होंने एक बनाई थी, मेरे को नहीं पता भाई। अब चलो चलते हैं। देखो भाई, ये एक ऐप है और इस ऐप के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स की वर्ल्ड है, पर मेरी नहीं है क्योंकि मैंने बनाई नहीं है। तो अभी हमारा सबसे बड़ा टारगेट है कि हमको यहाँ पे टेक्नो गेमर्स की जो वर्ल्ड है हमको वो ढूंढनी है, वो ये है कहीं भाई, टेक्नो गेमर्स सर्वाइवल वर्ल्ड #80zoo, यही है भाई। रहने दो, पर हम लोग ये वाली नहीं करते, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी एक्सप्लोर करने में। तो मैंने एक और टेक्नो गेमर्स की ये वर्ल्ड देखी थी, तो आओ हम लोग उसको भी ढूंढते हैं। ये आगे टेक्नो गेमर्स हार्डकोर वर्ल्ड। और भाई आपको पता होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कंटेंट की कमी चल रही है। क्योंकि जोर जोर से बोलते सबको स्कीमें बता दे। मैं स्पॉन हो चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ बड़ा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक ऐसा विलेज का ट्रेडिंग फार्म बना के रखा है। अभी तू क्या देख रहा है, निकलना है, तेरे काम से काम करना भूतनी के। वाह क्या सीन है। ओके, तो उस ट्रेडिंग फार्म के बाजू में एक हमको ऐसा फार्म देखने को मिलता है जो कि हवा में है भाई। इस बनाया कैसे होगा भाई टेक्नो गेमर्स वाले ने। ओके, अभी यहाँ पे ये लीवर है, मेरे को पता है कैसे वर्क करता है क्योंकि मेरे को बनाया था ना मैंने भी एक बार। बस अभी यहाँ पे कुछ बना है भाई। ओके चलो यहाँ पे हम लोग चढ़ के देखते हैं है क्या, मुझे नहीं पता है। अभी ये मत कहना कि ये आयरन फार्म है, आयरन फार्म ही लग रहा है। चेस्ट ओपन करता हूँ, आयरन ही आयरन भरा है भाई। ये तो आयरन फार्म है, वर्क कैसे करता है मेरे को वो देखना था भाई। नीचे गिर जा बस तू पहले। ओके, मेरे को वो देखना है कि वो वर्क कैसे करता है। ओके, एक बार हम चढ़ के देखते हैं ऊपर, क्या पता ये 1.19 में वर्क करेगा कि नहीं, मेरे को नहीं पता है ना। ओके, एक बार चेक करके देखते हैं। शार्पनेस के लेता हूँ, मैं इसे तोड़ना चालू करता हूँ। नहीं भाई दिख नहीं रहा, चलो रहने दो। मैं सबसे पहले भाई तेरी भैंस की फैंटम आ गया भाई, इसको क्या करूँ फैंटम का यार मैं। अभी तो मेरे को क्रिएटिव करने मार दिया भाई उसने, पूरा सामान भी नीचे गिर गया। अभी पता नहीं मैं कहाँ पे स्पॉन होगा भाई, शायद वहाँ ही होगा ना, क्योंकि मेरा रिस्पॉन पॉइंट वहाँ ही बना होगा ना। ओके, नहीं यार जिस बात का डर था वही हुआ, हमारी टेक्नो गेमर्स की वर्ल्ड। ओके ओके, दिख गई भाई। ओके भाई सब दिख गया भाई, मेरे को तो एक सेकंड लिए डर लग गया था कि गायब ना हो गया सब। और ये क्या था भाई, ये क्या है, ये कुछ नहीं ऐसा, ये टाइम पास के लिए बनाया है। चेस्ट ओपन करके देखते हैं, क्या पता चेस्ट में हमें क्या मिलेगा। चेस्ट में एक तो खाली है, दूसरा चेक करते भाई, दूसरे में लक रहेगा, दूसरे में भी नहीं है। तीसरा चेक करते उसमें हो सकता है भाई, भाई तीसरे की एक बार चेक करता हूँ, नहीं तीसरे में भी नहीं है। तो अभी देखते ये क्या है, ये मेरे को लगता है कि यहाँ पे वो रहते वगैरह होंगे, और उनका है ना यहाँ पे आर्मर भी पड़ा है भाई, नेदरेट का आर्मर है ये तो। ओके थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, चेस्ट भी है, तो चलो देखते हैं चेस्ट के अंदर क्या है भाई। चेस्ट के अंदर तो अच्छा सामान ही होना चाहिए। चेस्ट पता है क्या, आधे ज़्यादा खाली है। जो फार्म वगैरह के चेस्ट ना, बस वही थोड़ी फील है क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक फार्म से ही भर गए होते। तो ओके, और कुछ नहीं है। और घर के ऊपर है ना इन्होंने फार्म भी बना के रखा है, और यहाँ पे हमारा ये है शुगर फार्म। अगर सीधा लीवर फ्लिक करो तो यहाँ पे चेस्ट के अंदर सीधा आके गिर जाती है, बस इतना ही कुछ देखने को मिलता है। सही बनाया है, बाकी सही कह रहा हूँ, वर्ल्ड बहुत सही बनाया है। और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। पीछे का साइड तो अपना सादा विलेज है, और ऊपर देखो मैंने बोला था ना ऊपर फार्म भी बनाया है, पर मुझे ये नहीं समझ रहा कि ऊपर इन्होंने क्या किया होगा। एक बार उन्होंने सारा ग्रो कर दिए होंगे फिर हो गया होगा भाई, ये नहीं समझ रहा है मुझे। ये क्या है भाई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़। ओके, ये शायद से वुड फार्म लग रहा है मेरे को, पर ये वर्क कैसे करता होगा भाई। ये ना एक फैन मेड ने बनाया है मुझे लगता है, पर कुछ वर्किंग का है ही नहीं भाई इसके अंदर। फैन मेड है भाई ये, पर हाँ उनका वाले भी तो ऐसे ही होगा। चलो और कुछ नहीं है, चेस्ट तो सारे खाली है इसके, और क्या भाई बस इतना ही है। चेस्ट और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, प्लीज़ दिख जाए। ये हमारा फार्म है जो कि हमने देखा था, पर अभी देखते हैं वर्क कैसे करते हैं। ऊपर से एक बार देखते हैं, मैंने लीवर फ्लिक किया, वाटर तो आ रहा है भाई साहब। बीच में पानी भी ख़त्म हो गया, पानी कहाँ चले गया। ओके भाई, ये भी समझा कि ये ना सिर्फ दो लेवल तक के ही वीट्स को लेता है, फिर आगे का कुछ भी नहीं है भाई, ये भी दिखावे के लिए बनाया था। ओके, और क्या है भाई वर्ल्ड के अंदर, अब वो भी देखते हैं। सच्ची में कह रहा हूँ, देखो सिर्फ दो ब्लॉक तक के पानी आ रहा है, उसके आगे जा ही नहीं रहा है। मैं समझ गया क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर है ना ब्लॉक का गैप्स नहीं है, तो इसके लिए ऐसा होता है। ये तो हमारा ट्रेडिंग फार्म, यहाँ से हम लोग आके विलेजर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और इन्होंने इनको है ना विलेजर्स इधर लाने में इजी गई होगी, क्योंकि विलेज तो एकदम बाजू में थी। तो और ये क्या है भाई सर्कल में, भाई ये क्या खतरनाक चीज़ बना के रखी है। ये ट्रैप डोर भी लगी, अंडरग्राउंड बेस है क्या, ये अंडरग्राउंड बेस लग रहा है मेरे को।
अरे भाई अभी जाके समझा, ये अंडरग्राउंड बेस नहीं है, ये तो है ना हमारा एक्सपी फार्म है। देखो अभी ब्रेक करता हूँ मैं इसको अंदर, ये देखो हमारा एक्सपी फार्म है और ये क्रीपर का है। ओके अभी इनको थोड़ा बच के रखना पड़ता होगा ना। और ये सर्कल क्या था मेरे को, आप वो भी देखते भाई, चढ़ जा। ओके सर्कल के अंदर आ चुके, सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा वाटर ही वाटर है और कुछ नहीं, बस इतना ही था इनकी वालों में। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते तो हम लोग कल। तो उससे पहले एक मेन चीज़ आप ज़रूर से करदा करो यार, वो उस चीज़ का मैं आपको बात बोलूँ तो वो है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। तो कर देना आज के लिए, मिलते हैं।